ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्राप्ति भुगतान खाता के बारे में अध्ययन करेंगे। आपकी ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है गैर व्यावसायिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चैप्टर है नॉन ट्रेडिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए, आपने प्रीवियस वीडियो में यह समझ लिया होगा कि जो प्राप्ति भुगतान खाता है वो क्यों बनाया जाता है, किस प्रकार बनाया जाता है। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था आपको कि गैर व्यावसायिक संगठन क्या होता है। क्या होता है गैर व्यावसायिक संगठन? गैर व्यावसायिक संगठन वे संगठन होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। जी हाँ, गैर व्यावसायिक संगठन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, वरन वो समाज सेवा की दृष्टि से समाज में रहते हुए अपना कार्य करते हैं। कौन कौन से ऐसे संस्थान होते हैं जो कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं? तो देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे पुस्तकालय हैं, अनाथालय हैं, वृद्धाश्रम है ना, लायंस क्लब है, लायंस रोटरी क्लब है, या बहुत सारी सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं भी ऐसी होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, यानी वो कोई भी कार्य लाभ कमाने की दृष्टि से नहीं करती हैं और उनका उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना, समाज को लाभ पहुंचाना। उन्हें हम क्या कहते हैं? गैर व्यवसायिक संगठन। तो गैर व्यवसायिक संगठन में आपको यहाँ पर बहुत सारी संस्थाओं के नाम दे रखे हैं जिनके बारे में आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको बता रखा है। देखिए, यहाँ पर आपको बता रखा है कि खेलकूद संस्थाएं, क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब, हॉकी क्लब, खो खो है ना, सामाजिक क्लब, पुस्तकालय, व्यायामशालाएं, और जो आपके शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं है ना, शैक्षणिक संस्थाओं में प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय, उच्चतर विद्यालय, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, शिशु बाल कल्याण गृह आदि, ये संस्थाएं कहाँ में आती हैं? ये संस्थाएं आती हैं आपकी गैर व्यवसायिक संगठन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब सवाल ये उठता है कि ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनका उद्देश्य लाभ कमाना तो नहीं होता है, परंतु इनके पास किन्हीं किन्हीं स्रोतों से पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है। और हमारे भारतीय संविधान में, हमारे भारतीय कानून में ये नियम है कि जब भी आप कोई वित्तीय लेन देन करते हैं, जब भी आप कोई व्यवसायिक ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें मुद्रा आ जाती है, जिसमें पैसा आ जाता है, तो आपको उसका हिसाब किताब रखना जरूरी होता है। और आपको जब उसका हिसाब किताब रखना जरूरी होता है, तो चूंकि इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, तो जब लाभ कमाना नहीं होता है पर फिर भी इनको रोकड़ पद्धति के अनुसार अपनी पुस्तकें रखना पड़ती हैं, जिससे ये गवर्नमेंट को, ये सरकार को ये बता सकती हैं, समय आने पर अपना प्रूफ दे सकती हैं कि इनको कितना लाभ हुआ है, इनके पास कितना पैसा आया है और इनके पास से कितना पैसा गया है। इसी लेन देनों को लिखने के लिए गैर व्यवसायिक संस्थाएं अपने यहाँ पर जो सबसे पहला खाता बनाती हैं उसे हम कहते हैं प्राप्ति भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान खाते को हम इंग्लिश में कहते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट्स का मतलब होता है प्राप्ति और पेमेंट का मतलब होता है भुगतान। तो ये जो गैर व्यवसायिक संगठन है ये अपने आप पर जो सबसे पहला खाता बनाते हैं, जो सबसे पहला हिसाब किताब की पुस्तक बनाते हैं उसे हम कहते हैं रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करेंगे, पर इस क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने के पहले